हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम इसमें सॉलिडवर्क्स के अंदर हम कर्व ड्रिवन पैटर्न के अंदर हम बात करेंगे, कर्व ड्रिवन पैटर्न कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट इट। सेलेक्ट न्यू पार्ट, ओके। सेलेक्ट टॉप प्लेन, स्केच, ड्रॉ ए रेक्टेंगल, टेक सेंटर रेक्टेंगल, स्मार्ट डायमेंशन, गिव डायमेंशन, गिव 150 एंड दिस 150, ओके। एग्जिट, गो टू फीचर्स, सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 10 पुट होगी, देन ओके। ओके, सेलेक्ट स्केच, स्केच चूज दिस फेस फॉर स्केच एंड नॉर्मल। वी हैव टू ड्रॉ एक कर्व, हमें यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट पैटर्न करना है, ऑन विच वी आर गोइंग टू पैटर्न सम ऑब्जेक्ट। चूज थ्री पॉइंट आर्क, आई विल सेलेक्ट थ्री पॉइंट आर्क, गिव फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देयर एंड थर्ड पॉइंट, ओके। चूज स्मार्ट डायमेंशन 55, ओके। प्रेस कंट्रोल की, प्रेस कंट्रोल की, सेलेक्ट दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस सेंटर पॉइंट एंड चूज कोइंसिडेंट, ओके। डबल क्लिक ऑन रेडियस 55 एंड यू कैन चेंज 65 और 60, ओके 60 इज बेटर। एग्जिट, ओके। आफ्टर एग्जिटिंग री सेलेक्ट दिस फेस फॉर स्केच, सेलेक्ट स्केच, चूज दिस फेस एंड मेक नॉर्मल। सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट कॉर्नर रेक्टेंगल, सेलेक्ट दिस कॉर्नर रेक्टेंगल, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ ए रेक्टेंगल, ओके। सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, गिव डायमेंशन 11 एंड दिस 5, ओके, परफेक्ट। एग्जिट, यू हैव टू एक्सट्रूड दिस रेक्टेंगल, गो टू फीचर, चूज एक्सट्रूड बॉस बेस, एक्सट्रूड बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू फीड होगी, मेक ओके। ओके करने के बाद आपको जाना है पैटर्न के अंदर, पैटर्न, सेलेक्ट दिस कर्व ड्रिवन पैटर्न। यू हैव डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 1 सेलेक्ट दिस आर्क, ओके। बार को नीचे स्लाइड कीजिए, फीचर एंड फेसेस के अंदर आपको ये बॉस बेस सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए और इसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद आप वापस से जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके। सेलेक्ट करने के बाद अब इस कमांड को देखेंगे, नॉर्मल। आप यहां से रिवर्स डायरेक्शन कर दीजिए, क्योंकि मे बी ये डायरेक्शन दूसरी साइड है पर दूसरी साइड में कर्व है नहीं है, तो इसलिए आप यहां से रिवर्स में क्लिक कीजिए। अगर आपका पहले ही बन रहा है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवर्स डायरेक्शन में मैं क्लिक करता हूं तो मेरे ऑब्जेक्ट पैटर्न हो गए हैं यहां पे। अगर आप इसको ओके करते हैं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अभी मेरे पास आता है यहां पे नंबर ऑफ इंस्टांस, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट आपको चाहिए यहां पे, कितनी कॉपीज़ चाहिए, तो आप यहां पे डाल सकते हैं 10, 9, जितना भी आपको चाहिए, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल सकते हैं। इक्वल स्पेसिंग अगर आप हटाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्पेसिंग के लिए बॉक्स आएगा, उसमें आप अपनी मर्जी से इनकी स्पेसिंग करते हैं। लेस मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ तो ये यहाँ पर हो जाता है। आप वापस से कर्व पैटर्न पे राइट क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में मैं इक्वल स्पेसिंग ले लेता हूँ, ओके। और मेरे पास 7 इंस्टेंस है, 7। अभी नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आते हैं कर्व मेथड एंड अलाइनमेंट मेथड। पहले कर्व मेथड देखते हैं। अभी कर्व मेथड में कर्व ट्रांसफॉर्म कर्व है, यानी कि कर्व के जैसे ही ये पैटर्न हो रहा है। अभी अगर मैं ऑफसेट कर्व यहाँ से लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं ये थोड़ी सी दूरी पे हो गए, यानी कि ऑफसेट हो गए हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है अलाइनमेंट मेथड। मैं यहाँ से वापस ट्रांसफॉर्म कर्व ले लेता हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट मेथड आता है, अलाइन टू कर्व, यानी कि कर्व के साथ अलाइन होना चाहिए, या फिर अलाइन टू सीड, यानी कि जैसा उसका जैसे उसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रहेगी, लेकिन कर्व के अकॉर्डिंग ही वो पैटर्न हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर चेंज करता हूँ तो, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से ये चेंज हो रहा है,
तो जैसा आपको रखना है आप वैसा रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डायरेक्शन टू। डायरेक्शन टू गाइस सेम है बिल्कुल, अगर आपने कोई और कर्व बना रखी है तो आप उसके ऊपर भी इसके अंदर पैटर्न कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अभी मेरे पास इसके अंदर आता है इंस्टांस टू स्किप। इंस्टांस टू स्किप में आएंगे तो अगर आप जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये पिंक डॉट जनरेट होते हैं। पिंक डॉट गाइस क्या होते हैं, आप इनको सेलेक्ट कीजिए तो जिस पिंक डॉट पे आप क्लिक करेंगे वो वाला ऑब्जेक्ट वहाँ से हट जाएगा, यानी कि वो कॉपी नहीं होगा। इफ़ यू वांट दिस तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये ओके हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही। अगर आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप वापस कर्व पे जा सकते हैं, राइट क्लिक और उसको एडिट फीचर कर सकते हैं। वापस इसके अंदर जाके आप इंस्टेंस को राइट क्लिक कीजिए और क्लियर सिलेक्शन कर दीजिए तो आपके ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे। ओके प्रोपगेट विजुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने इसके अंदर और भी ट्यूटोरियल्स डाले हैं, लीनियर पैटर्न आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको पूरा उसमें पता चल जाएगा प्रॉपगेट विजुअल प्रॉपर्टीज़। वैसे ही सर्कुलर पैटर्न में भी सेम है तो आप जाके मेरे ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं तो उसके अंदर आपको पूरा मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास बात आती है बॉडीज़ की, अगर मैं बॉडीज़ पैटर्न करना चाहता हूँ गाइज, अगर मैं बॉडीज़ लेता हूँ तो ये होल बॉडी सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि पूरा ही रेक्टेंगुलर सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर, अगर आपने इसके नीचे रेक्टेंगल नहीं बनाया है, सपोज आपने टॉप प्लेन पे डायरेक्ट कर्व ही आपने बनाई है तो आप उसके ऊपर रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड करके आप उसको कर सकते हैं। बॉडीज में क्या होगा कि वो पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप बॉडीज में जाते हैं, फीचर को अनचेक करते हैं तो उसके अंदर पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाएगी, जैसा आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो आपको पूरी बॉडीज़ तो नहीं करनी, तो इसलिए आप इसको राइट क्लिक क्लियर सिलेक्शन, इसलिए आप इसको फीचर में आप रहने दीजिए तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आपका खाली रेक्टेंगल नहीं है, खाली ऑब्जेक्ट है तो आप बॉडीज़ ले सकते हैं, वो भी आपका काम करेगा। तो ये था ट्यूटोरियल कर्व ड्रिवन पैटर्न के ऊपर। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।